जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है कब से शिष्य ठाकुर के नाम से उन्हें पुकारा गया। चलिए आलोचना करते हैं। ठाकुर जी ने चिकित्सा कार्य में ही अपने को अधिक समय तक सीमाबद्ध नहीं रख सके। उन्होंने देखा मन की उपयुक्त चिकित्सा नहीं होने पर मनुष्य को सर्वांगीण भाव से स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता है। मनुष्य के सभी दुखों के कारण प्रभुति परायणता है। प्रभुति के आकर्षण से उससे मुक्त कर सकने पर ही वो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हो सकता है, शांति लाभ कर सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कुछ सगी साथियों को लेकर महासंकीर्तन का प्रवर्तन किया। आरंभ हुआ कीर्तन का युग। उनके जीवन के इस तीव्र भावोन्मादनामय अध्याय में जो उनके सहयोगी थे उनमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति थे। किशोरी मोहनदास, अनंतनाथ राय, दुर्गानाथ सन्याल, नफर घोष, कोकुन बुने आदि। कालक्रम से कीर्तन में योगदान दिया प्रभुपाद आदित्य वंश के सतीश चंद्र गोस्वामी एवं सुशील चंद्र बसु आदि प्रमुख भक्त वृंद ने। इसी अपूर्व कीर्तन का वर्णन भाषा में करना बिल्कुल असंभव है। दीर्घ गौर वन, सुगठित शरीर, आजनुल भिवत बाहु, आकन विस्तृत चक्षु, किंचित घुंघराले बाल, प्रफुल्ल बदन, मंडल में प्रकटित अभय मुद्रा, शुभ्र उपवीत और वसन भूषण। इसी प्रकार अनुकूल चंद्र सपार्षद जिसने कीर्तन में देखा वो धन्य हो गया। इसी समय से अनुकूल चंद्र लोगों के द्वारा श्री ठाकुर के नाम से आख्यायित होने लगे। जय गुरु।